भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। नीरज जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ये ओलंपिक के ट्रेंड एंड फील्ड में भी भारत का पहला मेडल है। नीरज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भारत की पदक की उम्मीद बढ़ा दी थी। नीरज चोपड़ा ने क्रिसमस 84.24 मीटर का थ्रो फेंका। नीरज ने क्वालिफिकेशन में जिस तरह का प्रदर्शन किया और वह ग्रुप ए में पहले स्थान पर रहे थे, उसके बाद उनसे सोना लाने की संभावना बढ़ गई थी। 23 वर्षीय नीरज ने ओलंपिक स्टेडियम में ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड के अपने पहले ही प्रयास में 96.65 मीटर का थ्रो फेंका। ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग अंक को हासिल तथा फाइनल में पदक के प्रबल दावेदार के रूप में भी उभरे। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार नगरी।